नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से विशेष महत्व होता है। इसी अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित है कि कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर संकट से मुक्ति मिलती है। साथ ही 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का अलग अलग महत्व बताया गया है। 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराना तथा उनका पूजन करने से हमारे सारे दुख संकट दूर होते हैं। देखिए, नवरात्रि में देवी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और भगवती को कन्या के रूप में पूजा जाता है। एक पुराण में वर्णन आया है कि एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण था। वो भगवती का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पास साधन नहीं था। वो चाहता था कि नवमी के दिन वो पूरे गांव को भंडारा दे, लेकिन वो इतना सामर्थ्यवान नहीं था। तो भगवती के सामने जाकर के बड़ा विनम्र भाव से वह रोने लगा। भगवती से प्रार्थना करता है कि हे भगवती, मैं पूरे गांव को भंडारा देना चाहता हूं, लेकिन मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। जब वो भगवती के सामने रो रहा था, विलाप कर रहा था, उसी समय भगवती जगदम्बिका उसके सरल स्वभाव पर रीझ करके कन्या के रूप में वहां प्रकट हो गई और भगवती ने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पूरे गांव को भंडारा दे सकोगे, लेकिन उसके पहले तुम प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करो। उन कन्याओं के पूजन के प्रताप से तुम्हारे पास सुख शांति समृद्धि इत्यादि सभी चीज की तुमको प्राप्ति होगी। तो श्रीधर नाम के ब्राह्मण ने उस कन्या जो साक्षात दुर्गा वहां कन्या के स्वरूप में प्रकट आई, उनके चरणों में वह गिर गया और भगवती को प्रणाम किया और भगवती के कहे अनुसार उसने नौ दुर्गा में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हुई और उसने अपने संकल्प के अनुसार पूरे गांव को नवरात्रि के उपरांत भोजन भंडारा इत्यादि भगवती की कृपा से कराया। तो ऐसा ही हमारे देवी पुराण में वर्णन आया है कि जो कन्याएं रहती हैं, इन कन्याओं के 9 स्वरूप कहे गए हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं रहती हैं, इन कन्याओं का हमको पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है, 7 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है, 8 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था की इन अलग अलग कन्याओं का पूजन करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बात का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब कन्याओं का हम पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं को देवी मान करके पूजन कर रहे हैं, तो वहां किसी प्रकार का वर्ग भेद, वर्ण भेद या जाति भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, विप्रा सर्वेष्टा संसिद्धये यशसे क्षत्रियोद्भवाम देशजाम धन लाभाय पुत्राप्ति सूतजाम यजेत। अर्थात ब्राह्मण की कन्या का पूजन करने से सर्व मनोरथ की सिद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय की कन्या का पूजन करने से यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति और विजय की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। वैश्य की कन्या का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो धन सुख शांति समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी और इसके साथ ही साथ यदि आप शूद्र की कन्या का पूजन कर रहे हैं या किसी अन्य जाति की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कन्या पूजन करते में जाति भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। 4 वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है, मंत्राक्षरमयी देवी मंत्रणा रूप धारिणी नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्या आवाम्य हम। अर्थात वह कन्याएं साक्षात दुर्गा के स्वरूप हैं, उनका आप आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, धनधान सुख शांति समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रु नष्ट होते हैं, विजय की प्राप्ति होती है। हर दिशा में, 4 दिशाओं में व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। जो हमने अलग अलग कन्याओं के 2 वर्ष के 10 वर्ष तक की अवस्थाओं की कन्याओं का वर्णन किया है, कुमारी नाम की कन्या का हम पूजन करते हैं तो दुख दरिद्रता और संकट हमारा दूर होता है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से जय की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, राज्य सुख की प्राप्ति होती है। कालिका का पूजन करने से शत्रु नाश होते हैं, दुखों का नाश होता है।
चंडिका का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रु नाश होते हैं। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोग और संकट नाश होते हैं। और सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति को संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोरथ सिद्धि होती है। और दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रु नाश होते हैं। और किसी भी प्रकार का उग्र कार्य करना है, युद्ध में विजय प्राप्त करना है, किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है, तो उस दुर्गा नाम की कन्या का, उस दुर्गा नाम की उस अवस्था की कन्या का पूजन करने से हमको सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। द्विवर्षा सा कुमार युक्ता त्रिमूर्ति आय नत्रिका चतुर्भा तु कल्याणी पंचवर्षा तु रोहिणी चतुर्भा कालिका प्रोक्ता चंडिका सप्तहायिनी अष्ट वर्षा सांभवी स्याद दुर्गा तु नवहायिनी सुभद्रा दस वर्षोक्ता नाम मंत्री प्रपूजयेत। इस प्रकार कन्या साक्षात दुर्गा के महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के स्वरूप है। उन कन्या स्वरूप का, उन देवी स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति को सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है।